आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे आप खुद से ही अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से घर बैठे। मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे शेयर करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे खुद से ही घर बैठे अपने मोबाइल फोन से लैपटॉप से। तो कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड किया जाता है इसको देखने के लिए आपको ये वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे किस तरीके से कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट को डाउनलोड किया जाता है। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बनिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, कोई भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे और ब्राउज़र को ओपन करने के बाद इसमें आप टाइपिंग करेंगे को WINWIN। तो इस तरीके से COWIN.GOV का ऑप्शन आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको ये वेबसाइट ये ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि रजिस्टर का और साइन इन योर सेल्फ का है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। तो चलिए मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगा, OTP आपको यहाँ पर डालना। चलिए मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ गेट OTP पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना। मेरे केस में आ गया है, मैं यहाँ पे OTP डाल देता हूँ। तो आपके केस में आएगा वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। OTP डालने के बाद यहाँ वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आप रजिस्टर किए होंगे, वो आपके सामने में ये कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। अब सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ शिवशंकर पासवान का है जो यहाँ पर फर्स्ट डोज ले चुका है, तो इसका मैं आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए कि आपका सर्टिफिकेट का ऑप्शन है। अगर आपको सेकेंड डोज लेना है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सेकेंड डोज का ऑप्शन है, जब आपको लग जाएगा तो इस तरीके से ये ग्रीन टिक लग जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि 82 डे लेफ्ट बचा हुआ है, तो यहाँ पर आपको 84 दिन का टाइम मिलता है फर्स्ट डोज लेने के बाद। तो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए यहाँ सर्टिफिकेट है, इस पर आपको ओके कर देना है। जैसे इस पर ओके करते हैं तो यहाँ से आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे डाउनलोड होके यहाँ पे देखिए डाउनलोड होके आ चुका है। मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ओपन करने के यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर यह सर्टिफिकेट डाउनलोड होकर आ चुका है। यहाँ पर देखिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट फॉर COVID-19 वैक्सीन फर्स्ट डोज, और यहाँ पर नाम आ गया, उम्र आ गया, लिंक आ गया, यहाँ पासपोर्ट नंबर आ गया। और मैं आपको बता दूं कि आप आधार कार्ड से बनवा सकते हैं, पासपोर्ट नंबर, पैन कार्ड, बहुत सारा ऑप्शन दिया रहता है, उससे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो मैं इससे पहले से वीडियो बना रखा हूँ, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी मिल जाएगा, जहाँ से जाने के बाद बहुत ही आसानी से वो वीडियो देख के आप जो है कोविड वैक्सीन के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आप जाके अपने नज़दीक में जो अगल बगल सेंटर होगा वहाँ पर जाके आप जो है वैक्सीन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं वैक्सीन का नाम आ गया है, यहाँ पर डेट ऑफ डोज कब दिया गया था वो आ गया, यहाँ पर नेक्स्ट डोज कब लगेगा वो आ गया, यहाँ पर टीका लगाने वाले का नाम कौन लगाया वो आ गया, और यहाँ पर कहाँ लगा है वो स्थान का नाम आ गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर सिक्योर कोड भी आपको यहाँ पर दे दिया जाता है। सो इस तरीके से अगर आप जो है लगवाते हैं वैक्सीन तो आप बहुत ही आसानी से आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपली यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आपसे रजिस्टर करना है, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर मांगेगा, OTP डालने का, सिंपली ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ से आप जिसको भी सर्टिफिकेट, इसमें आप जो 4 मेंबर को ऐड कर सकते हैं, उस सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ शेड्यूल देखने के लिए इस पर क्लिक करके आप इसका शेड्यूल भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप पिन कोड डाल के या डिस्ट्रिक्ट डाल के इसका शेड्यूल देख सकते हैं। चलिए हम तो पहले से आपको सिंपल बताने वाला हूँ कि आप सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करेंगे, तो वो मैं आपको बहुत ही आसानी से बता दिया हूँ। तो यहाँ पर देखिए 1, 2 और यहाँ पर मैं 3 और 4 आदमी को जोड़ रखा हूँ। तो इसी तरीके से आप जो है एक रजिस्टर कीजिएगा तो उसमें 4 मेंबर को जोड़ सकते हैं। सो गाइस, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि आप डेट ऑफ बर्थ सही डालिएगा, और जो भी जो आप आइडेंटिटी प्रूफ दीजिएगा, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट या कोई भी डॉक्यूमेंट दीजिएगा, तो वो सही दीजिएगा और सही नंबर लिखाइएगा।
ठीक है, क्योंकि अगर कहीं आप फॉरेन कंट्री में भी जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप जो है ये सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे चेक होगा और इसके बिना आप वहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते हैं, तो आपको ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए आप सभी यहाँ पे डिटेल सही से डालिएगा, इसके बाद रजिस्ट्रेशन कीजिएगा और यहाँ से आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।